आपके अपने YouTube चैनल वर्कशॉप क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से आपके प्रश्न क्रमांक 23 में तक मैं आपको संपूर्ण आपको सॉल्यूशन बताऊंगा बेहतरीन तरीके से, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं। ओके, मैं आपको कंप्लीट में आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ ऑल प्रश्नों का, बेहतरीन कलरफुल मैंने आपको तैयार किया है टाइप करके। ओके, जिससे आप क्या है बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में लिख सकें और इस क्वेश्चन को तैयार कर सकें। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम देख ले, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है सांख्यिकी के जनक है, तुम्हारा 12 नंबर राइट आंसर हो जाए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गॉटफ्राइड। ओके, नेक्स्ट हमारा भारत में कितने वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है, तो 10 वर्ष के अंतराल में। ओके, तीसरा है किसी श्रृंखला को 10 बराबर भागों में विभाजित करने पर कहा जाता है, तो दशम तक इसका राइट आंसर हो जाएगा अ नंबर का। सूचकांक मापते हैं तो चर का मूल्य हो जाएगा, द नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के फसलों में सफर रही है, तो गेहूं व चावल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत में आर्थिक सुधारों का आरंभ हुआ, तो 1990 में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। रेगिस्तानों में दोस्तों हमारा पहला आ जाता है, पहला है हमारा डेड डेस में निवेश मानव पूंजी का मुख्य स्रोत है, राइट आंसर होगा आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नवाड़ की स्थापना डेड डेस में हुई, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1982 में। फिर चीन में डेड डेस में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया, तो आपका 1958 में। ओके, मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा। नेक्स्ट है किसी कारखानों में दूसरों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति श्रमिक कहलाता है, इसका भी थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट है वे माप है जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो सांख्यिकी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर समानता कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत डेड डेड से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर आपका सूचकांक। चलिए मैं आपको लिखित रूप में इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, पहला का राइट आंसर आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा 1982, तीसरे का राइट आंसर हो 1958, आपका चौथी का श्रमिक, लेकिन इसका थोड़ा आपको आंसर क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पांचवें का सांख्यिकी, छठवें का राइट आंसर आपको सूचकांक। ओके, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सत्तासत। ओके, तो सत्तासत में पहला है दोस्तों हमारा चीन में 1970 के दशक के अंत में एक संतान नीति लागू की गई थी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। ओके, ये हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2010 में पारित हुआ, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली गणना वर्ष 1951 में हुई, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जब आप खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर जुलाई 2019 में लागू किया गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2017 में आया था। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा पांचवा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। उस बार से हमारा सत्य हो जाएगा, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा चौथा सत्य है और पांचवा असत्य, छठवा आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ी हैं। तो पहला है हमारा विश्व व्यापार संगठन का गठन, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1995। ओके, तो 1995 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो ये हमारा हो जाएगा 2009। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन फ्लड, ये हमारा दुग्ध उत्पादन संबंधित है, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा अक्टूबर 2014 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सारणी का अंग, तो पांचवें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका समांतर माध्य। ओके, ये हमारा हो जाएगा पांचवा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मानव विकास सूचकांक घटक, तो छठवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जीवन प्रत्याश। ओके, तो जीवन प्रत्याश हमारा छठवां हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति का मान, तो ये होता है हमारा बहुलक। ओके, तो ये बहुलक हो जाएगा सातवां। इस प्रकार से हमारा हो जाता है सही जोड़ियां कंप्लीट। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। पहला है धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया कहलाती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित आंकड़े कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। लिखित रूप में आपको आंसर दिखा दूंगा, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं, दंड आरेख दो प्रकार के होते हैं। चौथा है हमारा चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है, राइट आंसर आपका अंग गणितीय माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई को इस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट दोस्तों हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः इस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान है, तो हो जाएगा आपका प्रचिन्न बेरोजगारी। ओके, नेक्स्ट है जो अपने उद्यम के स्वामी या संचालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उद्यमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको लिखित रूप में इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। हो जाता पहले का राइट आंसर आर्थिक क्रियाएं, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक आंकड़े, तीसरे का राइट आंसर दो प्रकार के, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंगणितीय माध्य, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, छठवें का राइट आंसर होगा प्रचिन्न बेरोजगारी, आपका सातवें का राइट आंसर होगा उद्यमी या साईसी भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक छठवें से इसके सॉल्यूशन। ओके,
छठवां आ जाता है प्राथमिक आंकड़े को परिभाषित कीजिए अथवा है द्वितीयक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, देख लेते हैं इसका हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन आ जाता है प्रश्न छठवें का प्राथमिक आंकड़े कैसे कहते हैं, तो जो सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया है वीडियो फुल क्वालिटी में देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं जो आंकड़े सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार पहली बार मौलिक रूप में संकलित किए जाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं आपका हो जाता है। फिर पूछा जा रहा अथवा में द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तिगत समूह संस्था से द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़ों को क्या प्राथमिक आंकड़े। और दूसरी तरफ जो आंकड़े क्या है किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित साधनों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें क्या है द्वितीयक स्रोत या क्या है द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। कंप्लीट होता है। सातवां से पूछा जा रहा है चर किसे कहते हैं, अथवा पूछा जा रहा है आंकड़ों के वर्गीकरण के दो प्रकार लिखियोगे। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है चर किसे कहते हैं, वे मूल्य जिनका मान एक मद से दूसरे मद में बदलता रहता है और जो संख्यात्मक रूप में माने जा सकते हैं उन्हें क्या है चर कहते हैं। ओके, अथवा दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है आंकड़ों के वर्गीकरण के दो प्रकार आपको लिखना है, तो दो प्रकार हमारे इस प्रकार से दिए हुए हैं तो इसकी छोड़ लेते हैं। पहला है हमारा भौगोलिक वर्गीकरण, दूसरा है कालानुक्रमित वर्गीकरण। ओके, इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो क्या क्या है फर्स्ट छोड़ आप ले लीजिए। यह हमारा कंप्लीट हो जाता है। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक आठवां। ओके, प्रश्न क्रमांक आठवां हमसे पूछा जा रहा है समांतर माध्य की परिभाषा लिखिए। ओके, ये हमारा दिया है समांतर माध्य की परिभाषा, समांतर माध्य क्या कहलाता है। ओके, कुल जो पद दिए हैं उनका योगफल अपॉन क्या हो जाएगा पदों की संख्या। ओके, ये हमारा दिया है समांतर माध्य। ओके, फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है अथवा में समांतर माध्य की दो विशेषताएं लिखिए, तो ये हमारी दी है समांतर माध्य की विशेषताएं, पॉइंट वाइज पॉइंट दी हुई है। ओके, तीन विशेषताएं दी है, कोई भी दो आपको तैयार कर लीजिएगा। इसकी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, तुम्हारा प्रश्न क्रमांक आठवां हो जाता है, प्रश्न क्रमांक नौवां आ जाता है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा नौवां है बहुलक को क्या है को परिभाषित करना है, तो ये आपका दिया है बहुलक को परिभाषित करना है। किसी श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी बारंबारता या आवृत्ति उस श्रेणी में सबसे अधिक होती है क्या है बहुलक कहलाता है, ये आपका दिया हुआ। ओके, अथवा पूछा जा रहा है हमसे मध्यिका की गणना कैसे की जाती है, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है मध्यिका की गणना कैसे की जाती है, तो इसे छोड़ो हमारा फास्ट इसका ले लीजिए सॉल्यूशन को। ओके, आपका दसवां क्वेश्चन आ जाता है सह संबंध की परिभाषा लिखिए, जिसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया है सह संबंध क्या होता है जब दो चर राशियों में से एक चर राशि बढ़ने से दूसरी चर राशि में वृद्धि हो या कमी हो, इसे एक चर राशि कमी से दूसरी चर राशि में वृद्धि या कमी हो तो उन दोनों चर राशियों के सह संबंध पाया जाता है। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है सह संबंध के प्रकारों को लिखिए अथवा में इसके। ओके, तो सह संबंध के प्रकार ये दिए हुए हैं इस प्रकार से, तो इसकी इंश्योर लीजिए। ओके, अब प्रकार आपसे पूछा जा रहा है दो नंबर में, केवल आप हेडिंग लिखिए, डिटेल ना लिखिएगा, हेडिंग बस आपको लिख देना है। पहला धनात्मक एवं ऋणात्मक संबंध अथवा ऋणात्मक संबंध, दूसरा आपका सरल आंशिक अथवा बहुगुणी से संबंध, तीसरा हमारा रेखीय अथवा तथा अरेखीय संबंध। ओके, ये आपके तीन दिए हुए हैं, तीनों की आप हेडिंग लिखिएगा। ओके, अगर थोड़ा लॉन्ग में अगर आपसे पूछा है तो आपको क्या डिटेल में समझा देना है, इसलिए आपको पूरी डिटेल भी दी है, लेकिन आपको तैयार करते समय डिटेल भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न ग्यारहवां मानव पूंजी क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी किसी दिए गए जनसंख्या या काम कर रहे व्यक्ति की योग्यता ज्ञान अनुभव और कौशल के लिए कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ सॉल्यूशन इसकी स्वर ले लीजिए। अथवा में पूछा जा रहा है इसके कि भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में दो अंतर लिखिए, ये हमारा दिया हुआ है भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर, तालिकाबद्ध रूप से बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, सो इसकी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक बारहवां ग्रामीण विकास का अर्थ लिखिए, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है ग्रामीण विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास से है, इसका अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही जनता आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान करके उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। ओके, अथवा पूछा जा रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे कहते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसलिए इसका फास्ट ले लीजिए तो हमारे कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो मैंने आपको प्रश्न क्रमांक सातवां बता दिया है चर किसे कहते हैं आंकड़ों के वर्गीकरण, प्रश्न क्रमांक आठवां भी हो चुका है हमारा समांतर माध्य की परिभाषा माध्य की दो विशेषताएं, नौवां भी हो चुका है बहुलक की परिभाषा माध्य की गणना कैसे की जाती है, दसवां हो चुका है सह संबंध की परिभाषा और सह संबंध के प्रकार, क्योंकि ग्यारहवां है मानव पूंजी क्या है भौतिक पूंजी एवं मानव पूंजी में अंतर, ये सब मैं आपको बता दिया है। ओके, मैंने बारहवीं बताया ग्रामीण विकास का अर्थ लिखिए और अथवा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे कहते हैं, यहाँ तक अपना प्रश्न क्रमांक बारहवीं तक अपना कंप्लीट हुआ है। अब देख लें हम प्रश्न क्रमांक तेरहवां से। ओके, तो प्रश्न क्रमांक हमारा तेरहवां है नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कैसे कहा जाता है अथवा पूछा जा रहा है बेरोजगारी का अर्थ लिखिए, चलिए इसे इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, ये हमारा है प्रश्न क्रमांक आ जाता है तेरहवीं का सॉल्यूशन, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक तेरहवां पूछा जा रहा है नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कैसे कहा जाता है, तो सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे छोड़ लीजिए। जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से क्या काम पर रख उसे तो मजदूरी देता है तो उसे क्या है श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है, बेरोजगारी का अर्थ लिखिए, तो बेरोजगारी का अर्थ आपको बताइए इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, इसे छोड़ आप ले लीजिए।
तो नेक्स्ट हमारा 14 पूछा है पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। ओके ये आपका दिया पर्यावरण की परिभाषा, तो सी छोड़ आप लीजिए पर्यावरण किसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ। ओके फिर अथवा पूछा जा रहा है आपका वैश्विक ऊर्जा क्या है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो सी छोड़ आपके लिए लीजिए। ओके वैश्विक ऊर्जा आपका ये दिया हुआ है, तो सी छोड़ ले लीजिए। ओके फिर इसके बाद 15 हमारा है मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटक के नाम लिखिए। इस प्रकार से हमारा दिया है मानव विकास के सूचकांक घटक, पहला है जीवन काल, दूसरा है शैक्षणिक स्तर, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। ये तीनों हमारे क्या है मानव विकास के सूचकांक घटक। ओके और तीनों के मैंने आपको पॉइंट बताया, साथ ही उसको समझाया भी है। ओके तीनों आपको लिखना है, उसके बारे में एक लाइन भी आपको बता देना। ओके अथवा पूछे जा रहा है 15 के कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के कहा जाता है, सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है विशेष आर्थिक क्षेत्र व नामित क्षेत्र जिसमें विदेशी घरेलू विनिर्माणों को विशेष तौर पर क्या है निर्यात हेतु विनिर्माण का प्रोत्साहन दिया जाता है, इस प्रकार से दिया हुआ है सॉल्यूशन, इसी छोड़ आप ले लीजिए। पश्चिम हमारा 16 आ जाता है सतत चर एवं विरक्त चर में अंतर लिखिए, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा अंतर दिया हुआ है, तो सिंचोर इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ओके अथवा में हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि अथवा पूछा जा रहा है कि आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के प्रकार कौन से। ओके तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के प्रकार। ओके सिंचोर इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है, अब देख लेते हैं क्रमांक 17। ओके इससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ओके तो मैंने आपको कहा प्रश्न 13 बता दिया नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कैसे कहते हैं, बेरोजगारी का अर्थ पर्यावरण की परिभाषा बता दी यहाँ। ओके वैश्विक उष्णता बता दिया है, मानव विकास सूचकांक के विभिन्न घटक हो चुके हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र किन्हें कहते हैं, सतत चर और विरक्त चर में अंतर हो चुका है, अथवा में है आंकड़ों के सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण के प्रकार कौन से हैं, ये भी हमारा हो चुका। ओके अब हमें देखना है प्रश्न क्रमांक 17 में। ओके तो प्रश्न क्रमांक 17 का ऊपर वाला मैंने किया है जिसमें आपको क्या है आंकड़ों को आपको क्या है समांतर माध्य ज्ञात करना है। ओके तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया, देखिए आंकड़े हमारे दिए 75, 72, 35 और 45, 65, ये आंकड़े दिए हैं। समांतर ज्ञात माध्य निकालना है, समांतर माध्य का डायरेक्ट दोस्तों आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो समांतर पदों का योग और पद की संख्या, तो पदों का हमें मतलब इन पांचों को जोड़ देना है, पद की संख्या कितनी 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 का भाग लगा दीजिएगा, ये हमारे जोड़ेंगे 292 भाग लगाएंगे। ओके तो आपका 58.4 हो आपका आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है, कर लीजिएगा। ओके फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अथवा पूछा जा रहा है इसके निम्नलिखित आंकड़ों की मध्य का गणना कीजिए, इसे आप स्वयं कर लीजिएगा, इसे मैंने आप सॉल्व नहीं किया है इसे, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है आपका। ओके फिर आपका 18 है निम्न आंकड़ों के निम्न चतुर्थक मान का परिकल कीजिए, तो इसे भी आप इसे देख लीजिएगा सॉल्यूशन को। ओके अथवा मैं आपको बता देता हूँ उसका सॉल्यूशन, चतुर्थक को परिभाषित कर उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र आप लिखिए। ओके चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ उसका, फिर सॉल्यूशन इसका आपको लिखना है, इसके मांग आपके 18 अथवा है चतुर्थक को आपको परिभाषित करना है। ओके आपका यह चतुर्थक की परिभाषा आपको यह दी हुई है। ओके और फिर आपको क्या है उच्च चतुर्थक की गणना का सूत्र भी आपको लिखना है, ये हमारा दिया हुआ। ओके थोड़ा ये क्या है अनकम्प्लीट है। ओके ओके थोड़ा और आपको इसमें देख लीजिएगा गणना का सूत्र किस प्रकार से लिखना है, तो इसे भी आप थोड़ा तैयार कर लीजिएगा। ओके हाफ मैंने आपको तैयार कर दिया है। ओके परिभाषा बता दी है, गणना का सूत्र भी एक बार देख लीजिए। ओके कंप्लीट हो जाता है, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न 19। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक अब आ जाता 19। ओके भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तीन बिंदुओं में लिखिए। ओके जैसा सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए कि भारत में क्या है 1991 में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तीन बिंदु आपको बताना है। सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, आर्थिक सुधार निम्न कारणों से प्रारंभ हुआ, तीन बिंदु आपके दिए गए हैं इनकी आवश्यकता में क्यों पड़ी है 1991 में आर्थिक सुधार, क्योंकि तीन बिंदुओं के माध्यम से समझा गया, तो स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ। ओके कंप्लीट हो जाता है। ओके इसके बाद चौथा भी पॉइंट दिया है, 5 बिंदु दिए हैं। ओके तो 5 आप तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। अथवा क्या है रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। ओके तो ये आपका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, तो इसकी इशू आप ले लीजिए, तीन पॉइंटों के माध्यम से समझाया गया है कि रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंक पर निम्न प्रकार से नियंत्रण रखना है, तीनों पॉइंट आपके ये दिए हुए हैं, सॉल्यूशन आपका बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है, तो इसकी इशू आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20। ओके तो प्रश्न क्रमांक हमारा 20 है सूचकांकों की रचना में रखने वाली सावधानियां कौन सी हैं। ओके तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि सूचकांक बनाने समय कौन सी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, तो निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ये पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट। ओके पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो मैसेज कर लीजिएगा और आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके यह चौथा पॉइंट हो जाता हमारा, ये हमारा 5 पॉइंट हो जाता है, ये 6 पॉइंट। ओके इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है सूचकांक की रचना के में ध्यान रखने योग्य बात है। ओके सावधानियां कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित आंकड़ों में भाई था, ये आपका पूरा आपको इसमें सूचकांक की गणना करना है, तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, मैंने आपको इसका एक तो बता ही दिया ऊपर वाला, फिर 21 देख लेते हैं। ओके 21 हमारा औपनिवेशिक काल में संपत्ति के निष्कासन से क्या आप क्या समझते हैं। ओके चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं,
फिर सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि औपनिवेशिक काल में संपत्ति का निष्कासन से आप क्या समझते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो स्क्रीनशॉट आप क्या है स्वास्थ्य ले लीजिए, जिस प्रकार से हमारे क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा आ जाता है पृष्ठ क्रमांक 21 में अथवा, ओके पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 21 का अथवा है हरित क्रांति क्या है और इसने किसानों को कैसे लाभ पहुंचाया। चलिए इसे सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, ओके इसी छोड़ लीजिए, हरित क्रांति क्या है और इसने क्या है लाभ कैसे पहुंचाया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाया जा रहा है। ओके वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो क्या है परेशान हो रहे हैं इसे सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए, ओके तो जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन है, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि के विविधीकरण क्यों आवश्यक है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसी शॉर्ट आप पहले ले लीजिए, इतना ये हमारा दिया हुआ है, इसी शॉर्ट आपका ले लीजिए फास्ट। कृषि विविधीकरण क्या है आपका, आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण ओके क्यों आवश्यक है, इसके आगे का ये दिया हुआ है, तो इसी शॉर्ट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछा जा रहा है नियमित वेतन भोगी कर्मचारी में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण की व्याख्या कीजिए, ओके तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, सो इसी शॉर्ट आप ले सकते हैं, ओके तो नियमित वेतन भोगी कर्मचारी में क्या है महिलाओं की जो संख्या है वो कम है, उसका कारण क्या है, तो ये आपको बताना है पॉइंट वाइज पॉइंट। आपको इसमें चार कारण दिए हुए, क्योंकि चार नंबर का है तो चार तो आपको कम से कम लिखना ही होगा, चार मैंने आपको दे दिए हैं पॉइंट, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है, ओके ये आपका हो जाता है कंप्लीट। देखिए इसका टाइप करने में सॉल्यूशन तैयार करने में काफी मेहनत लगती है वो आप समझ सकते हैं, इसलिए आपको अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक है मोटिवेशन प्रदान करता है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा क्योंकि अब क्या है जल्दी आपके 1 से 1.5 महीने बचे आपके फाइनल एग्जाम के लिए, उसकी भी हम क्या तैयारी करेंगे, ओके। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आ जाता है, पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई समृद्धि दर की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए, ओके तो इसका हमारा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये सॉल्यूशन कंप्लीट दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, इस बार से आपको लिखना है, ओके ये भी आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा आर्थिक विकास के लिए किए गए विकासात्मक पहलों का उल्लेख कीजिए, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप कह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके ये हमारा दिया हुआ है पॉइंट वाइज पॉइंट इसका दिया हुआ है, ओके पहला ये, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा, ओके और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है, ओके तो आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। और इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।